इंसान चाहे कितने ही रिश्तों के बंधन से क्यों ना बंधा हो, जज्बातों की कितनी ही बेड़ियों ने उसे क्यों ना जकड़ रखा हो, वो स्वतंत्र है। हमारी इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में इस आजादी का हक सिर्फ मर्दों को नहीं औरतों को भी है, पर ये छोटी सी बात बहुत से लोगों के पल्ले नहीं पड़ती। जहां जुल्म और शोषण है वहां प्रतिहिंसा और अपराध। जा 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 बोलना। फोन किसने किया था? सर मैंने किया था, बच्चों ने मुझे बताया कि इधर कुछ तो गिरा है इसलिए मैंने आपको कॉल किया। महेंद्र उठा कर लाओ। सर पैरों की जोड़ी है। सर ये देखिए नेल पॉलिश भी लगी हुई है, किसी औरत के हैं। एक काम करो, फॉरेंसिक टीम बुलवाओ और आसपास के पूरे इलाके को अच्छे से छान मारो। अगर पैर मिला है तो बाकी का हिस्सा भी आसपास ही होगा। सर पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं क्यों यार, 2-3 किलोमीटर तक सबने पता कर लिया, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, कोई कुछ ना बता पा रहा। उसकी सारी सहेली को भी मैंने फोन कर लिया, कहीं ना गई। और वो डॉक्टर का बच्चा बिना एक फोन ना उठा रहा, 1000 फोन कर लिए उसको सुबह से। मैं अपने फोन करता हूँ। मैं रुक, मैं भी करता हूँ। सर पैरों को बड़ी ही सफाई से किसी सर्जिकल नाइफ से काटा गया, अंदाजा है किसी पैरामेडिक स्टाफ या खुद किसी डॉक्टर ने काटा। सर डॉक्टर ने? उस इलाके से कोई और संदिग्ध मिला? नहीं सर, पूरा इलाका छान मारा लेकिन कहीं से कुछ भी हाथ नहीं लगा। मिलेगा महेंद्र, ये जो भी है किसी के लाश को टुकड़ों टुकड़ों में ठिकाने पर लगाने की कोशिश करो। पैरों पर कोई खास निशान या टैटू? नहीं सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, पर रिपोर्ट से एक बात तो कन्फर्म है कि ये टांगे किसी लड़की की ही है। एक काम करो, सारे चेक पोस्ट पर अलर्ट जारी कर दो, एक भी गाड़ी बिना चेकिंग के आगे न जाने पाए। खबरियों को अलर्ट करो और उस इलाके में जितने भी संदिग्ध हैं सबसे पूछताछ करो और इस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को सारे थाने में सर्कुलेट करा दो, शायद वहां से कोई सुराग मिले। सर ये मेरी बेटी मधु की फोटो है, मधु के पति का फोन आया था, जरूर वो अपने पति के पास ही गई होगी। अरे काहे का पति, उसी ने भगाया उसे। और मैं तो तुमसे रेट बोलने दीजिए ने। दोनों ने लव मैरिज की, लड़का डॉक्टर है, 3 हफ्ते पहले ही दोनों हमसे मिलने आए थे। पापा पापा ये वीरेन है, मैं जिस हॉस्पिटल में काम करती हूँ वहां पे ये डॉक्टर है। तो पापा हमारा अफेयर चल रहा है पिछले 3 महीनों से। क्या कह रही तू? पापा ये चाहते हैं मुझे और मैं भी। सर हम दोनों एक दूसरे से ब्याह करना चाहे हैं। और फिर एक दिन। हेलो मम्मी, वीरेन जी और मैंने शादी कर ली है। अभी उसकी शादी की बात गले से उतरे भी नहीं थी कि हेलो
मधु, मधु तू रो क्यों रही है? तू ठीक तो है ना? ठीक नहीं हूँ मम्मा, वीरेन ने मुझे बहुत मारा। मेरी नौकरी भी छुड़वा दी। आजा मेरी बच्ची, आजा अपने घर आजा। सर, वैसे हालत में मैंने वही किया जो एक माँ करती। मधु लौट के आ गई। मम्मा, मधु, मम्मा, मैं को मर गई ना। साहब, मधु ने अपने पति को छोड़ दिया था, लेकिन उसके पति ने उसको नहीं छोड़ा। मधु, ये बार बार किसका फोन आ रहा है बेटा? बात तो कर ले। वीरेन का फोन है माँ, हॉस्पिटल मिलने के लिए बुला रहा है। बिल्कुल मत मिलना उससे। मम्मा, मैं सोच रही हूँ उससे मिल लेती हूँ, मिलके किस्सा ही खत्म करती हूँ। उसको बोलती डिवोर्स पेपर तैयार करे, मुझे रहना ही नहीं उसके साथ। तलाक लेने को कह के गई थी, तब से लौट के आई ही नहीं। अरे लौट के कहाँ से आएगी वो, जब वो ही लेके गया उसे। हाँ साहब, सुबह से 1000 फोन कर लिए उस डॉक्टर के बच्चे को, एक भी नहीं उठाया। बस एक बार कहीं मिल जाए, इसे मार मार के ना सर से प्यार इसका भूत पाल। अरे चुप, शांत हो जा। उसके पति का एड्रेस है आपके पास? जी। सब ये देखो, ये देखो सर, औरत के हाथ है, पहले पैर और अभी हाथ। लगता है किसी को बेरहमी से मारकर कोई लाश को टुकड़ों में ठिकाने लगा रहा है। कौन हो सकता है? दो तीन दिन रोज आना पड़ेगा पट्टी कराने के लिए, वैसे तो दर्द होगा नहीं। भैया जी, पुलिस आई है। पुलिस? अरे छोरी तू मजे में थी अठे, लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, क्या भूत सवार हुआ, सुबह बैग उठाया और चल दी। आप डॉक्टर वीरेन नागपाल? पत्नी कहाँ है आपकी? मैंने बेरा नहीं है सर। क्यों, बुलाने के लिए फोन किया था ना उसे? सर किया था पर वो आई नहीं, दोबारा फोन किया तो फोन स्विच ऑफ था। लेकिन मधु के माँ बाप का बयान है कि तुमने, बल्कि आप सबने बहुत तकलीफ दी उसे, मारपीट की है उसके साथ। कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब, वो तो मजे में थी। हम आप सर, बात दरअसल ये है कि ये जो मधु के घर वाले हैं एक नंबर के जाहिल लोग हैं, मुझे तो बात करते नहीं ये लोग, बात अब तक गाली या हाथ छोड़ देंगे। उस दिन जब मैं और मधु इनके पास अपनी शादी का प्रपोजल लेकर गए थे तो हम अपनी बिरादरी के बाहर अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकते। अपने दिमाग में बात बिठा ले बस। पर भाई पापा, भाई पापा चुप, बड़ी अंग्रेजी मत ना जाड़े। अरे देख डॉक्टर साहब, अगर तो परमिशन मांगने आए ना, वो तो किसी कीमत पे ना मिलने वाली। अरे बाकी रही तुम दोनों की अफेयर सफेयर की बात, इसको ना यहीं की यहीं खत्म कर दो, यही तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। समझ गया? देखिए आप थोड़ा ना सलीके से पेश आए। अच्छा सिखाऊं तेरा सलीका। की करना रही है अपने बड़े भाई बाहर उठा रही तू? खड़ा यहां से बाहर निकल जाओ। चल चल चल, अपने कमरे में चल। जो अगर आज के बाद तुम दोनों साथ दिख गए ना, तो सामने वाले पेड़ पे मां खत्म, उल्टा काट कर खा दूंगा, समझ गए? अरे चल चल। इन्हीं तमाशों के बीच सर एक दिन मधु मेरे पास आए, इनकी दवाइयाँ कंटिन्यू रखना।
ठीक है? मैडम सो सॉरी, ठीक हो तुम? ठीक हूँ। आई एम सो सॉरी वीरेन, आई शुड हैव टेकन यू देयर, मुझे वहां तुमको लेके नहीं जाना चाहिए था। इट्स ओके बाबा, तुम्हें पता तुम्हारे बापू और भाई को तो कब के जेल में जाने चाहिए थे। उनके बारे में छोड़ो, मेरे बारे में सोचो, शायद मेरा कल से यहाँ पे हॉस्पिटल में आना बंद करवा दे वो लोग। फिर बताओ क्या करना है? शादी कर लेते हैं। और फिर हमने शादी कर ली। और तूने जब हमारी शादी के बारे में अपने घर वालों को बताया तो हमारे घर आने की जरूरत नहीं है, टांगे काट दूंगा तेरी। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर रोते हुए वापस क्यों चली गई थी वो? सर मधु को गलत फहमी हो गई थी। कैसी गलत फहमी? सर मधु मॉडर्न लड़की है, उसका रहना सहना कपड़े लत्ते सब, भले ही डॉक्टर सही लेकिन गांव में रहने वाला इंसान है, अपने संस्कारों से जुड़ा हुआ, अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ, और ये सब मधु को जचा नहीं। ये तो गांव है। हाँ, हमारा घर गांव में ही तो है। फिर यहाँ पे रहना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, यही तो रहना है हमें। हाँ। बाबूजी, भैया तो बहू ले। वीरेन, ये केना रंगी से? अम्मा, जो थारी बहू से। पहुँचो। ब्याह करने से पहले बता तो दिया होता। बाबू अब भीतर चलिए, हम बताते हैं। अम्मा आइए। सर वैसे तो मधु को गांव में घुसते ही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। सर मधु शहर की लड़की थी और हम ठहरे गांव वाले, लेकिन जब मेरे अम्मा बाबूजी ने उसके रहन सहन पर आपत्ति जताई तो अम्मा हम अस्पताल जा रहे हैं। वीरेन यो बेहुदा कपड़े पहन के किस जा रही है? बेहुदा? पापा जी हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं। ये कौन सा अस्पताल? शादी हो गई है, चुपचाप घर पे रहो। पापा जी मैंने घर पे क्या करना है? हमारे अपने खेत हैं और हमारे यहाँ की औरतें खेत में काम करने से। चल जा भीतर। मधु तुम आज घर पे रुक जाओ, मैं अस्पताल में मना कर दूंगा। क्या मना कर दोगे? जॉब है मेरी, मेरे लिए मेरा करियर बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम जानते हो। ये बीकॉम किया मैंने, घर पे वेले बैठने के लिए नहीं। नंगा नाच नचाने के वास्ते लाया छोरी? तमीज से बात करी मम्मी जी। How dare you? तो थारा जाहिल परवान ना है। अरे माँ बाप जाए हो, तमीज से बात क्या करें इनसे? चल माफी मांग अभी। माफी माय फुट। मधु मधु सर, एक तरफ हमारे अम्मा बाबू जी थी और एक तरफ हमारी बीवी थी, और मैं दोनों के बीच में पिस कर रह जाता था। मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ यार, मेरे पीछे मत माफ कर दो मुझे। नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो I'm sorry, sorry बोल तो रहा हूँ, अरे हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे। मैं तो सर मैं मानता हूँ कि मारी गलती है, मुझे उस पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था, पर सर मैंने उसे सॉरी बोला, हाथ भी जोड़े, फिर भी वो आई नहीं। लेकिन मधु के घर वालों का कहना है कि सिर्फ एक थप्पड़ नहीं मारा था, मारपीट की गई थी उसके साथ, बहुत चोटें आई हैं उसे। सर झूठ है ये। तो जब वो चली गई थी तो फिर उसे फोन क्यों किया था? सर मैंने उसको सॉरी बोलने के लिए फोन किया था। मधु फोन कर करके दिमाग मत खराब करो मेरा। मधु प्लीज मेरी बात तो सुन लो एक बार। मुझे कुछ नहीं सुनना है, दोबारा फोन मत करना यहाँ पर। एक बार आके जरा हॉस्पिटल में मिल तो लो। मुझे नहीं मिलना तुमसे। तुझे हॉस्पिटल बुलाया था पर वो आई नहीं। ठीक है ए सुनो, चलो मैं कहाँ जाऊँ? अरे चलो कुछ पूछ। अरे मैंने क्या किया साहब? चलो। अरे साहब मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चल चल बता। अरे साहब चल। अरे मैंने क्या किया साहब? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? किया नहीं ये बता, देखा क्या है? मैंने कुछ नहीं देखा साहब। अच्छा तो अंदर पूछताछ में तेरे तोते क्यों उड़ रहे थे?
काम करो, इसको थाने लेके चलो, चाय पानी देंगे ना सब बोलेगा। चल चल सर, पूरी बात तो नहीं मालूम लेकिन बीरेन भैया अक्सर फोन पे बात करते हैं। पता नहीं किस बात का गुस्सा था, उस दिन बीरेन भैया ने भाभी जी को मारे, बहुत मारे। मधु किधर से? क्या है? पहले चल के अम्मा बाबूजी से माफी मांगो, चलो। माफी तो मैं मांगने से रही, और तुम क्या कह रहे थे? मेरे बाबा जाहिल हैं, तुम्हारे बाबा देहाती गवार हैं। भिखारी को तेरे कपड़े पहनते हैं और बातें करते मवेश हो जाती। ये क्या? अरे साहब कित लेके जा रहे हैं? सर मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? कुछ ना किया इसने। सर मैंने थप्पड़ मारा। अरे साहब छोड़ो, मारे छोड़े ने। छोड़ दो। मैं बैठ रही हूं। कहां लेके जा रहे हो? साहब अरे कुछ ना किया इसने। साहब छोड़ो। अरे कहां ले गए? ये सब उस मनहूस छोरी की वजह से हुआ है, कीड़े पड़े उसके। सर मैं क्यों मारूंगा मधु को, मारी बीवी है वो। फोन पर किससे बातें होती थी तेरी? डॉक्टर हूँ सर, हॉस्पिटल के कलीग्स हैं, मरीज हैं, सबसे बात होती रहती है। कॉल रिकॉर्ड से सब पता लग जाएगा कितने मरीज हैं और कितने कलीग्स हैं। सर हमारी बात मान नहीं रहे हैं, अब मधु के बापू और भाई को पकड़िए। उन्होंने ही गायब किया है मधु को। सर उसका भाई तो पेट से लटकाने की धमकी दे रहा था, इज्जत जात बिरादरी समाज इन सबकी बेड़ियां हैं सर उनके दिमाग में। मधु के पति वीरेन ने अब शक की सुई मधु के ही परिवार की तरफ घुमा दी थी। परिवार का मधु के प्रेम विवाह को लेकर आक्रोश इस बात को हवा भी दे रहा था। बहन और जीजा को मारने की धमकी दी थी ना तूने? हाँ साहब दी थी, धमकी दी थी। मारा भी था उस नाली के कीड़े को, और उसको नहीं अपनी बहन के भी दो थप्पड़ मारे थे। पर सब माँ की कसम, माँ की कसम, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया माँ कसम। सर वो डॉक्टर अपने सर के तो मैं हमारे सर पे तो पाए। बिरादरी की बहुत चिंता है ना तुम्हें? ना सर ना, इतनी भी ना है कि मैं अपनी बेटी को जिस दिन मधु गायब हुई थी कहाँ थे तुम? दुकान पे था सर, दुकान पे। जगदीश और उसका बेटा दुकान पर आए थे क्या? बाप बेटे रोज दुकान पे आते हैं, कभी नागा नहीं करते थे। सर किसी औरत का धड़ लग रहा है, चेहरा काफी कुचला हुआ है, जैसे लग रहा है किसी नुकीले पत्थर से वार किया गया। ये देखिए सर, ये मंगलसूत्र। महेंद्र हमें जो पहले बॉडी पार्ट्स मिले थे वो और इस धड़ को मैच करके देखो, किसी एक ही औरत के हैं क्या? सर और मेन रोड पर अगर कोई सीसीटीवी दिखे तो फुटेज निकलवाओ, इतनी दूर लाश को जरूर गाड़ी में लाए होंगे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दो। सर साहब एक तो मेरी बेटी गायब है, उस पर से आपने मेरे पति और बेटे को बंद करके रखा है। बंद नहीं किया है, पूछताछ के लिए बुलाया था इन्हें, छोड़ भी रहे, और शक की बिना पर वीरेन को भी गिरफ्तार किया है हमने। बहुत सही, यो तो बहुत सही किया साहब आपने, तो उलट पड़ेंगे ना सब कुछ उगलेगा, अच्छे से ढुकाई करना साहब। चुप कर, हमें क्या करना और क्या नहीं ये पता है। सर नाथपुर झील के पास एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। ये मंगलसूत्र बॉडी के ऊपर मिला था। मामा मैं सोच रही हूँ उससे मिल लेती हूँ, मिलके किस्सा ही खत्म करती हूँ, उसको बोलती डिवोर्स पेपर तैयार करे, मुझे रहना ही नहीं उसके साथ। ये तो मेरी मधु का है। नाथूपुर में मिली लाश की नरेला के रहने वाले गुप्ता परिवार ने अपनी बेटी मधु के रूप में शिनाख्त कर दी थी। नाथूपुर पुलिस से नरेला पुलिस ने केस टेक ओवर कर लिया था।
पोस्टमार्टम के हिसाब से हत्या गला दबाने से हुई और बहुत ही सफाई से बॉडी को तीन हिस्सों में काटा गया ताकि लाश को ठिकाने लगाया जा सके, सर्जिकल नाइफ से, फिर किसी नुकीले पत्थर से चेहरा भी कुचला गया। इतने तरीके से बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश, कोई डॉक्टर भी हो सकता है? हो सकता है। बॉडी मिल जाएगी? हाँ, महेंद्र फॉर्मेलिटीज पूरी करके बॉडी फैमिली को हैंड ओवर करो। ठीक सर। सर ये मधु के केस की फाइल है, इसमें उसके सारे डिटेल्स, और अगर आगे की कार्रवाई के लिए हमारी जरूरत पड़े तो हमें कॉन्टेक्ट कीजिएगा। थैंक यू। ये कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज है आप लोगों को कंप्लीट करनी है। हाँ जी, हमारे साथ। गुमशुदा मधु की लाश मिल गई थी, इसलिए पुलिस ने पिता और भाई को अंतिम संस्कार करने के लिए रिहा किया, लेकिन वो शक के दायरे से बाहर नहीं हुए थे। और जब जगदीश गुप्ता मधु की अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करने ऋषिकेश पहुंचे और फिर जो उन्होंने देखा उससे इस केस में अचानक 180 डिग्री का मोड़ आ गया। सर, मैं मधु की अस्थियां लेकर ऋषिकेश गया हुआ था और उसकी अस्थियां विसर्जन करके बीपी की दवाई लेने एक दुकान पर रुका। दवा लेकर जैसे ही पलटा तो मेरी तो जबान हलक पटक के रह गई। मैंने देखा सामने मधु खड़ी थी। मैं जोर से चिल्लाया, मधु मधु, और उसने जैसे ही मेरी आवाज सुनी गायब हो गई। भागते भीड़ थी, मैं हटा के जैसे वहां तक पहुंचा तो कोई भी नहीं। अगर वो वाकई में मधु थी तो भागी क्यों? हमें क्या पता? आपको पूरा यकीन है कि वो मधु थी? मधु मेरी बेटी। अपनी बेटी को बचाने में कैसी गलती कर सकता हूं मैं? अब जानते हैं आप क्या कह रहे हैं। आप अपनी बेटी की लाश जला चुके हैं, अस्थियां विसर्जित कर चुके हैं, अब जिंदा कैसे होगी? मैंने तो जो देखा मैं वही बता रहा हूं। सर ये मेडिकल स्टोर का फुटेज। सर देखो, वही कटकटी है, तो सलवार भी वैसी पहन रखी है, पर चेहरा तो नहीं दिख रहा है ना? सर मैंने सामने से देखा है। क्या लगता है शर्मा? सर सीसीटीवी फुटेज देख के लगता है कि हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन जगदीश का कहना है कि ये मधु ही है। एक बात तो तुमने सही कही, ये केस घूम फिर कर बाप बेटे पर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों तमाशा खड़ा करके हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? सर ये बात मीडिया तक भी पहुंच चुकी है। पुलिस के सामने बड़ा प्रश्न ये था कि किस पर विश्वास करें, माँ पर जिसने बेटी की लाश की शिनाख्त की थी या पिता पर जो उसे जिंदा देखने का दावा कर रहा था? कहीं इस खेल में मधु के पति डॉक्टर वीरेन का हाथ तो नहीं था? मधु की मानो उस लाश को मंगलसूत्र से पहचाना था। राइट सर। आपने कहा था कि वो मंगलसूत्र मधु का है और वो लाश भी मधु की, और अब आपके पति दावा कर रहे हैं कि मधु जिंदा है और उन्होंने उसे देखा है। क्या चल क्या रहा है आप लोगों का? सर मुझे पूरा यकीन है कि वो मंगलसूत्र मधु का ही है, और फिर मैं अपनी बेटी का मंगलसूत्र पहचानने में धोखा कैसे खा सकती हूँ? और रही बात मेरे पति के बयान की, वो तो जांच आप लोग कर ही रहे हैं ना? ठीक, अब वो मंगलसूत्र ही बताएगा कि वो किसका है। सर, सर, मधु मर्डर केस में जो लाश मिली है, ऐसा बताया जा रहा है कि वो लाश मधु गुप्ता की नहीं बल्कि किसी और की है। पुलिस विभाग से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि लाश की पहचान किए बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया? सर लाश की डीएनए टेस्टिंग अब तक क्यों नहीं की गई है? देखिए हम लोगों की जांच जारी है। सर वो लाश अगर मधु गुप्ता की नहीं है तो फिर किसकी है? हम लोग मामले की नए सिरे से तफ्तीश कर रहे हैं, जैसे कोई जानकारी मिलेगी आपको देंगे। लेकिन काफी वक्त निकल चुका है सर, काफी वक्त निकल चुका है सर। पीछे पीछे पीछे। माफी, माय फॉल्ट। तुम्हारे बाबा देहाती गवार है, भिखारी की तरह कपड़े पहनते हो, बात करते मवेश हो जाती। बात तो सुनो, लेकिन मैं तीन दिन से आ रहा हूँ लेकिन मेरी वाइफ को कुछ पता नहीं चलता। ये मैं आपको थर्ड टाइम बता रही हूँ कि सीमा मैम यहाँ तीन दिन से नहीं आई। आप चाहिए तो हमारा अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर लीजिए सर, आपको खुद समझ आ जाएगा।
आपको कहीं भी उनके सिग्नेचर नजर आ रहे हैं? देखिए मैंने मैंने हर जगह उसको ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मेरी बच्ची को देखिए, रो रो के आधी हो चुकी। सर मैं बिल्कुल समझती हूँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पुलिस के पास जाइए। मैं पुलिस में भी जाके इन्फॉर्मेशन कर चुका। सर देखिए अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको बता दूंगी। जी, कुछ पता चला सीमा का? नहीं पापा कुछ पता नहीं चला। दामाद जी एक बार पुलिस से फिर से पता करो ना, शायद कुछ पता चल जाए। पापा पुलिस से भी बात, वो कहते हैं कि पता चलेगा तो आपको इन्फॉर्म कर दें, फिर भी आप कहते हैं तो। हेलो सर, मैं दीपक बोल रहा हूँ, सीमा को कुछ पता चला? हमारी टीम जांच कर रही है, जैसे कुछ पता चलेगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। सर मेरी 2 साल की बच्ची माँ माँ पुकारती, ट्विन माँ के क्या हाल होता आप समझ सकते हैं ना? हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चलेगा हम आके बताएंगे। पुलिस ने असली मृत महिला तक पहुंचने के लिए मंगलसूत्र पे मिले मार्क के आधार पर एक एक ज्वेलरी शॉप को टटोलना शुरू किया। हाँ सर ये हमारी दुकान का है, इसको हम ऑर्डर से बनवाते हैं सर। बता सकते हैं किसने बनवाया था? सर बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। ये मंगलसूत्र दीपक चावला ने खरीदा था। दीपक चावला? जी सर। इसका एड्रेस मिलेगा हमें? जी सर, सर 17B सूरज अपार्टमेंट घोड़ा मोड़ बबाना। थैंक यू। ये लोग दिल्ली के नरेला थाने से आए। मेरी बीवी मिली? कुछ पता चला उसका? हमें एक लड़की की डेड बॉडी के पास से ये मंगलसूत्र मिला, पहचानते हैं इसे? सर ये मेरी सीमा का, मेरी सीमा का है। मुझे नहीं चाहिए वहां, एक बार बेटी की लाश तो देख लू। दरअसल एक परिवार ने आपकी बेटी की शिनाख्त की थी और उसी परिवार ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। सर आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा कोई कर सकता है क्या? और आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि जो लाश मिली हो मेरी पत्नी की है? देखिए उसी बात को वेरीफाई करने के लिए आपकी बेटी के डीएनए से बॉडी के डीएनए को मैच करवाना जरूरी है। और ये सब क्या हो रहा है? और ये सब क्या बोल रहे हैं? और ये बंगल सुत सर, सीमा से जुड़े हर पहलू को हमने तहकीकात किया, अभी तक कुछ नहीं मिला। हमने उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी देखे, एक नंबर है 76123 जिससे सीमा को बार बार कॉल किया गया था। 4 महीने में 253 बार कॉल किया गया था और सीमा भी इस नंबर पे बार बार कॉल करती थी। इसका नंबर? सर प्राइवेट नंबर है, अनलिस्टेड है। टेलीफोन कंपनी को इस नंबर की डिटेल भेजने के लिए बोला है, 2-3 दिन में आ जाएगा। फिलहाल ये मोबाइल स्विच ऑफ। सर ये सीमा हत्या के तार कहीं मधु केस से तो नहीं जुड़े हुए? हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर वीरेन भी किसी औरत से फोन पर बात कर रहा था। पता करो कि इस डॉक्टर वीरेन और सीमा का कोई कनेक्शन है क्या। ओके सर। थैंक यू।
पहचानता इसे? ना सर, मैं नहीं जानता। देख, सच सच बोल दे, वरना फसलें साबुत नहीं बचेंगी तेरी। जिस तरह से लाश के हाथ पैर काटे गए हैं वो कोई प्रोफेशनल डॉक्टर ही कर सकता है। तू भी तो डॉक्टर है ना? सर अम्मा की कसम सर, मैं नहीं जानता हूँ इसे ये कौन है। सर जिस नंबर से सीमा की फोन पे बातें हो रही थी उस नंबर को ट्रेस करिए, किसी राजेश निगम का नंबर है। पता लगा। ओके सर। जी कहिए। पुलिस नरेला थाने से। अच्छा ये मैं बात नहीं। हाँ सर कहिए। ये नंबर आप ही का? जी हाँ मेरा नंबर है। तो स्विच ऑफ क्यों है? सर वो बिल ज्यादा आ रहा था इसलिए मैंने वो नंबर ही हटा दिया। जिस तरह अपनी गर्लफ्रेंड को रास्ते से हटा दिया। कौन गर्लफ्रेंड? सीमा, जिसे पिछले 6 महीने से आप लगातार फोन पे बातें कर रहे थे। सर सीमा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो एक परेशान औरत है, हमेशा पैसे के लिए रोती रहती है और एक हफ्ते से वो एब्सेंट है। वो एब्सेंट इसलिए है क्योंकि उसका मर्डर हो गया है। क्या? ओह माय गॉड, कब? ये तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कब, कहां और क्यों, क्योंकि मर्डर से एक रात पहले भी उससे आपकी बात हुई थी फोन पर। देखिए सर मैं मानता हूँ मैं उनसे रोज बात करता था, उसे पैसे की प्रॉब्लम थी, इसके लिए शायद वो डिप्रेशन की शिकार थी सर। तो मेरे और उसके बीच में एक हमदर्दी का रिश्ता था, उसका सुसाइडल नेचर था सर। एक दिन स्कूल के छत से कूदने लगी, अच्छा हो गया प्यून ने देखा सर। मैंने उसे बहुत समझाया, मुझे उसकी टेंशन होती थी इसलिए मैं उसे कॉल करता। देखिए मर्डर केस है और क्रिमिनल अभी तक पकड़ा नहीं गया, और जब तक क्रिमिनल पकड़ा नहीं जाता आप ये शहर छोड़कर हमें बिना बताए जा नहीं सकते। जी सीमा के डिप्रेशन की क्या वजह थी? डिप्रेशन तो नहीं था सीमा को, वो तो बहुत खुश थी अपनी बेटी और पति के साथ में, लव मैरिज थी दोनों की। अच्छा सीमा ने कभी आपको पैसे की तंगी के बारे में बताया था, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस? नहीं सर, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं था। दीपक ठीक ठाक कमाता है, 2-4 बिजनेस है उसके, सीमा से उसकी कोई शिकायत भी नहीं सुनी मैंने। अरे बेटा कैसा है वो? बेटा क्या हुआ, बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहा है, सब ठीक? हाँ। कहाँ गया था? हाँ कल वो अलीगढ़ गया था। एक किलो चीनी देना। हाँ हाँ देता हूँ देता हूँ। अलीगढ़ में कहाँ गया था बेटा? मेरे चाचा रहते हैं। अच्छा कौन से वाले? दिवाकर चाचा। अच्छा जो कनाडा रहते थे वो इंडिया आ गए? तुलगी चीनी। और घर पे सब बढ़िया? अरे काय का बढ़िया बेटा, मधु ने पहले अपनी मनमर्जी की शादी करी, नाक कटवा दी हमारी, फिर 4-5 दिन से गायब है, पता ही नहीं चल रहा। थाने घूम घूम के तक लिए, सारे एरिया में पता कर लिया, कुछ ना पता चल रहा। बेटा मधु तो तेरे बचपन की दोस्त है स्कूल की, तेरे से कुछ कह के गई, तेरे को कुछ पता है? नहीं नहीं तो चल मैं चलता हूँ। अरे कुछ तो, अरे बता तो सही। अरे बेटा अपनी चीनी तो ले जा। मधु के नाम से जिस महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया था उसकी पहचान पुलिस ने सीमा चावला के रूप में खोज निकाली थी। मधु, उसके पति डॉक्टर वीरेन और सीमा का आपस में क्या संबंध था? अगर था तो क्या था? जैसे ही मैंने मधु का नाम लिया वो भाग लिया, बहुत घबराया हुआ था, जैसे सांप देख लिया हो। किसकी बात कर रहे हो? साफ साफ बताओ क्या हुआ। जब मैं दुकान पर खड़ा था वो आया। क्या नाम बताया? गौतम। वो मधु का स्कूल का दोस्त है, अक्सर मिलता रहता है उससे। एड्रेस दो सर। जी बता, वरना 4 लाख पड़े ना तो अपने आप पकने लगेगा। मधु के बारे में जो कुछ भी मालूम है शुरू हो जा बोलना। मधु से मेरी मुलाकात दुकान में हुई थी सर। अरे मधु
बीकॉम टॉप कर तू गले भी क्या कर रही है? क्या चाहिए ये बता। गुस्सा क्यों हो रही है? हम तो तेरे स्कूल के फ्रेंड है ना, कुछ प्रॉब्लम है तो बताना, बोलना क्या हुआ। कई बार हम दुकान में ही मिलने लगे और धीरे धीरे उसने अपने दिल का दर्द मुझे बताना शुरू कर दिया। तेरी लाइफ भी कितनी स्ट्रेंज है, जहाँ एक और सिद्ध करके शादी करी और मुझे मिला है क्या, पति से धोखा और उसके घर वालों से इतनी नफरत, और दूसरे ओर मेरे अपने घर वाले भी चल्लाद हुए पड़े। तू यहाँ कर क्या रही है यार, इतनी पढ़ी लिखी है, निकल जाना यहाँ से। कहाँ जाऊँ? एक जगह है वहाँ, यहाँ के परिंदे भी पर निवास है और नौकरी तुझे यूं मिल जाएगी। और फिर वो घर छोड़ कर आ गई। क्या कर रहे हैं? मुरादाबाद, वहाँ मेरे एक दोस्त का घर खाली है, बिल्कुल खाली। अभी वो मुरादाबाद में है। मुरादाबाद से योगेश पांडे बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि मधु यहाँ से जा चुकी है। ओके आशम, सर मधु मुरादाबाद से निकल गई है। इसका मतलब वो भाग रही है, और भागता वही है जिसके दिल में चोर। हेडक्वार्टर कॉल आउट कर, ये बात तो साबित हो गई डीएनए रिपोर्ट से कि जो लड़की मरी है वो मधु नहीं है। बाकी बातें मधु के पकड़े जाने पर ही क्लियर हो। सर मैंने आसपास के सभी थानों में इन्फॉर्म कर दिया। हेलो बेटा, कहाँ है तू? प्लीज घर आ जा, घर आ जा बेटा। कौन है, किसका फोन है? हेलो हेलो, कौन बोल? हेलो, किसका फोन? मधु का था। मधु सर, अभी अभी मधु ने अपनी माँ को कॉल किया था। गुड, मतलब सबका नंबर सर्वेलेंस पे डालने का कोई तो फायदा हो। कहाँ का नंबर? सर गाजियाबाद। तुम्हारा फैसला भले ही सही हो लेकिन तरीका बहुत गलत चुना तुमने। जल्दबाजी में उठाए कदम के नतीजे तो तुम देख ही चुकी हो। देखो मधु, लाइफ में कुछ भी थाली में सजा कर नहीं मिलता। रिश्तों को निभाने के लिए, चीजों को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कई बार हालात से समझौता भी करना पड़ता है। तुमने लाइफ को सिर्फ अपनी मर्जी से जीने की कोशिश की बिना ये सोचे कि दूसरों पर क्या असर पड़ेगा, और इसीलिए आज सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं। सर, मुझे अपने उस जाहिल पति और उसके गवार परिवार के साथ नहीं रहना है, ना इन जिद्दी और गुस्से से भरे लोगों के साथ। मुझे अकेले और आजाद रहना है सर, अपनी जिंदगी अपने उसूलों पे जीनी है, कुछ बनना है मुझे। किसी की जिद के गुलाम नहीं बनना और ना किसी की मार कुटाई सहनी है मुझे। और अपना झूठ छुपाने के लिए तुमने सीमा को मार दिया। ओके सर, जिन तीन एरियाज में हमें वो बॉडी पार्ट्स मिले थे उस एरिया के मोबाइल टावर के रिकॉर्ड्स आ गए हैं, और उनमें से एक एरिया में दीपक चावला का मोबाइल एक्टिव था। बाकी दो पर? सर बाकी की दो जगह पे एक्टिव नहीं था। इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि दीपक चावला तीन में से एक जगह पर मौजूद है, और हो सकता है कि बाकी दो जगह पर उसने किसी और की मदद से वो बॉडी पार्ट्स निकाले। बाकी दो नंबर की डिटेल्स भी करो, पता करें कि इस दीपक चावला और इन दोनों नंबर्स में क्या कनेक्शन है। ओके सर। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात तो सुनिए। सब पता चलेगा क्या किया तूने। मैंने कुछ नहीं किया सर। चल बता अपनी कहानी। शुरू।
जिंदगी बर्बाद हो गई थी मेरी सर, मेरा बिजनेस भी ठप हो गया। मैंने उसे कितनी बार कहा कि अपनी अपने अपने पापा से जाके पैसे लेकर उसके पापा के फ्लैट के अच्छे दाम भी लगवा दिए थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। उसके दिए हुए चिल्लर पैसे से मैं कब तक जिंदगी जीता। एक तरफ वो पैसे लाने को तैयार नहीं थी और दूसरी तरफ उसके स्कूल के प्रिंसिपल से उसकी बढ़ती हुई दोस्ती। थैंक यू सर, आपको पता नहीं आपसे बात करके मुझे कितना सुकून मिलता है। आप तो मुझे मेरे हस्बैंड से भी ज्यादा समझते हैं। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। कल मिलते हैं। गुड नाइट सर। कर ली अपने यार से बात? वो जो शट अप, वो यार नहीं दोस्त है मेरे। दोस्त है? दोस्त है वो तेरा? इधर सुन ली बात, दोस्त है वो तेरा? तेरा दोस्त है यार, मुझे नहीं उसकी सुनी। अब मेरी अपने बाप के पास जाओ, फ्लैट बेच के पैसों का इंतजाम कर, वो भी चल से चल। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी तू? है मैं उसे मारना नहीं चाहता, वो गलती से। मुझे न्यूज में जब पता चला कि सीमा की लाश का किसी और परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया तो मैं निश्चिंत हो गया कि अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। और फिर जब आप लोग मंगलसूत्र को लेकर मेरे पास आए, तब मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, मगर पकड़ा गया। उठाकर लाओ डॉक्टर। यस सर। लाश को काट कर ठिकाने लगाने के जुर्म में डॉक्टर नारंग को भी दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई। अपनी जिंदगी की गाड़ी को जल्दी पटरी पर डालने के लिए गलत रास्ता चुनने से कभी मंजिल नहीं मिल सकती, इसलिए कामयाब जिंदगी के लिए सूझबूझ, सब्र और एडजस्टमेंट भी जरूरी है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।